यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ। नहाने के बाद अब हमने के कपड़े डाल दिए हैं, हम आपको बताएंगे। हमने कि चलो छोटी और कर लूँ, फिर इसके बाद अपना काम चालू स्टार्टिंग किचन का करते हैं आराम से। बस यहाँ पर मैं छोटी कर रही हूँ और देख रही हूँ कि मेरे दो मुखे बाल तो नहीं हो गए, फिर उसे चेक करते रहना चाहिए, अपने बालों की केयर करना चाहिए। मेरे वैसे पतले बाल हैं और मुझे क्या है कि मुझे छोटी करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गर्मी लगती है तो छोटी बांध दो, अपनी रबल बेल्ट लगा लूँ, अपने डाल दो उस क्लेचर वगैरह लगा तो वे टूट जाते हैं जल्दी जल्दी, अपने लेटो तो वो टुट टुट बोल जाते हैं, इसलिए मैं चोटी ज़्यादा कर लेती हूँ। तो वैसे आज मैं चोटी करूँगी और चोटी के बस सामान में सिंदूर वगैरह क्रीम वगैरह ये पाउडर वगैरह ये सभी लगाते हैं तो हम लगा लेंगे। ये भी अच्छा देखो लेटा है, यहाँ पर मौसम ख़राब चल रहा है और कपड़े डले हैं और बस मैं अब हाथ धोकर अब भगवान की पूजा करना है। देखो मैं किचन में आ गई हूँ, अब भगवान को मैं नहाने की तैयारी कर रही हूँ कि इनकी पूजा करना शुरू कर दूँ। अब बस यहाँ पर मैं भगवान को नहलाऊँगी, नहलाने के बाद लंच की तैयारी करूँगी। सुबह बच्चे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो गया था, बेटा को जो ब्रेड जम दिया था और दूध, बस ये उनका ब्रेकफास्ट हो गया था, दूध भी थोड़ा जल्दी आ गया था इसलिए मैं जल्दी नहा कर आ गई हूँ। और बस यही होता है, फिर आकर नहा धोकर तैयार होकर फिर भगवान को भी करना पड़ता है, मुझे एक जगह जाना भी है इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया, इसलिए आज वीडियो कल का वीडियो लेट आया था, इसलिए आया था मैं कहीं गई थी इसलिए लेट आया था। फिर यहाँ पर मेरी भगवान की पूजा हो गई है और पूजा ये जल चढ़ाए तो सभी को जल चढ़ाने के लिए मुझे जाना है तो चढ़ाई ये मेरी पूजा हो गई है। और यहाँ पर मैं लंच में क्या बना रही हूँ आपको बताती हूँ। बनाने तो रात के थे लेकिन चावल रखी हुई थी तो फ्राई चावल और सिंधी कड़ी रखी थी तो वही मैंने खा ली थी, इसलिए फिर बनाया नहीं था, इसलिए वह भंडी रखी रह गई है। और आज हम आपको मसालेदार बेसन की भिंडी बनाना बताएंगे, यही मेरी रेसिपी है, यही मैं बना रही है, यही आपको हम बनाना बता देती हूँ। यहाँ पर सभी को सब चीज़ें बनाना आती हैं तभी तो आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हो, करा करो देखा करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर मैंने भिंडी को इस तरह से लंबा लंबा बड़ा बड़ा काट लेना है और लंबा लंबा प्याज काट लेना है, मिर्च काट लेना है। फिर एक कढ़ाई में आपको तेल लेना है, उसमें जीरा हींग थोड़ी सी राई और थोड़ी सी सौंफ अदरक मिर्च और प्याज डालकर उसको थोड़ा भून लेना है। फिर आपको भिंडी डाल देना, मिला लेना है, उसको ढाँक कर थोड़ा उसको पकने देना है। दूसरे तवा पर आपको एक चमचा दो चमचा मतलब दो चमचा बोले एक चमचा आपको बेसन लेना, उसको रोस्ट कर लेना है। फिर आपको रोस्ट हो जाए बेसन तो उसको इस साइड रख देना है। फिर आपकी भिंडी चेक करना है तो भिंडी मेरी पक गई है, उसमें मैंने नमक स्वाद अनुसार हल्दी धनिया मिर्च डालकर आपको और बेसन डालकर, ऐसे का बेसन है तो उसको आप भूनने की ज़रूरत नहीं है, आप हाल तब आप प्याज भून गए तब भी डाल सकते हो, मैं बाद में ही डालती हूँ तभी उसका स्वाद और अच्छा आता है। फिर आपको बेसन डालने के बाद मसाले डालने के बाद उसको मिला लेना है और उसमें आपको गरम मसाला और अमचूर डाल देना है और थोड़ा पानी का छींटा डाल देना, बेसन है तो ये अच्छे से कोट हो जाएगा। फिर एक मिनट तक और भून लेना है। ये मसालेदार बेसन की भिंडी बनकर तैयार है, खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। हरी मिर्च से मैंने फ्राई की थी तो ये हरी मिर्च से मैंने सर्व किया है, सर्व करके अभी बता देती हूँ। फिर मुझे आटा लगाना है तो आटा भी लगा लिया है यहाँ पर मैंने, मैंने कि चलो भिंडी बनाई है तो आपको उतरा फिर तो वो थाली में सब चीज़ें रखे तो मैं बता ही दूँगी, हम कि चलो आपको पहले भिंडी डेकोरेट करके थोड़ी बता देती हूँ इसलिए मैंने रख दी थी। फिर बस यहाँ पर मेरी ये मैंने फ्राई मिर्ची बनाई हुई थी, हमने कह रहे ना फ्राई मिर्ची से मैंने सर्व किया है, क्योंकि चलो वो थोड़ा बता देती हूँ फिर बता देती हूँ। फिर यहाँ मैंने आटा लगा लिया था, बस सब रोटी सेकेंगे और मसालेदार बेसन की भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई है और बस रोटी और फ्राई मिर्च, बच्चा अचार से खाता है, खटमिट्टा नींबू और आम का अचार रखा है उससे खाता है, वो उससे खा लेगा, भिंडी से खा लेगा। बस पहले लोई में गाय की निकालती हूँ तो गाय की निकाल कर रख दूँगी और यहाँ पर मैं चार पांच लोई बना कर रख लेती हूँ, उससे क्या होता है कि खाना सर्व कर रहे हो ना तो बनी चीज़ रखी हो ना लोई वगैरह तो जल्दी बिलक चली जाती हैं और जल्दी रोटी
बन जाती है। ये मैंने इसका चकला के लिए एक पूठा लिया, उसको गोल काट लिया। इससे क्या होता है कि पट्टा खिसकता नहीं है और उसी का नाप का रहता है, अच्छे से रोटी बिल जाती हैं। और यहाँ पर मैं लोई तोड़ कर रख लेती हूँ, बनाकर रख लेती हूँ, फिर बेलती जाती हूँ। यहाँ मैंने गाय की रोटी बना ली है, बस सेक कर उसको एक साइड कर देंगे, उसमें घी लगा कर ही मैं रख देती हूँ। और गाय की रोटी भी हो गई है, उनको देना है, फिर वो गाय को खिलाएंगे। फिर यहाँ पर मेरी रोटी बनाना मैंने स्टार्टिंग कर दिया है, और बस रोटी बनाएंगे, सेकते जाएंगे और खिलाते जाएंगे। और क्योंकि गरम गरम कुरकुरी रोटी खाएँ, मसालेदार बेसन की भिंडी के साथ खाओ तो खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। फिर यहाँ पर मैं अपना काम करती जा रही, रोटी वगैरह बनाती जा रही हूँ, खिलाएंगे। मेरा बेटा आ गया है, खाना दे दो मम्मा, तो मैंने दे उनकी, चलो मैं आती हूँ, मैं लाती हूँ। फिर क्या है कि नहा धो लिया ना, तैयार हो जाता है, सो खाने का मन होता है। और उसको केला खाना है, केला दे दूँ, हमने प्रसाद लगाया था, अब किस चीज़ के लिए आया था पता नहीं। फिर यहाँ पर मैंने रोटी भी बना ली है, ये रोटी फ्राई मिर्च और मसालेदार बेसन की, ये भिंडी की सब्ज़ी, और ये हस्बैंड के लिए, बच्चे दोनों जन बैठ के खा लेंगे। मैं सेकती जाऊँगी, उनको सर्व करती जाऊँगी। यहाँ पर बच्चा उदम मचा रहा था, और टीवी भी चलाया है कार्टून, और मोबाइल में भी कार्टून चल रहे हैं। यहाँ पर मैं सर्व करती जा रही हूँ, बनाती जाऊँगी, बस किचन साफ़ करेंगे, बस यहीं तक का मेरा किचन का काम था। साई राम, यूट्यूब चैनल पर प्रियंका गुप्ता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों ठीक हो? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे आप सब, मैं भी ठीक हूँ। और अभी तक आपने चैनल पर नए हो, अभी तक प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज सुबह से ही काम में लगी थी, और अभी मुझे कहीं जाना था, मैं वहाँ से लेकर आ गई हूँ, और आकर बस घर पर ही आई हूँ, और बस कपड़े चल के बैठी हूँ। और मुझे चलो आप लोगों से बात भी कर लूँगी थोड़ी, और एंड भी कर दूँगी इसी में, और कुछ नहीं है। सुबह का भागा दौड़ी का ही काम होता है, थोड़ा बच्चे को भी संभालना पड़ता है। चलो अब यहीं हम वीडियो का एंड करेंगे, आज का वीडियो यहीं तक का था। अगले वीडियो में फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और पसंद आता हो तो यूट्यूब पर प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सपोर्ट करो। नए हो सपोर्ट करो, नए हो चैनल पर तो प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ कमेंट करो और अच्छा आप लोग मेरा साथ दो। चलो वीडियो का एंड करते हैं, आज का वीडियो यहीं तक का, बाय।